इसराइल के उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्ला के भीषण हमलों ने इसराइल की कमर तोड़कर रख दी है। जितना नुकसान उसे गाजा युद्ध में नहीं हुआ, बल्कि उससे ज्यादा नुकसान उसे हिजबुल्ला के हमलों में हुआ। दरअसल उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला के हमलों से आईडीएफ के अरबों डॉलर के हथियार स्वाहा हो चुके हैं। ऊपर से सैन्य ठिकाने अब खंडहर में तब्दील हो गए हैं। यहाँ तक कि हिजबुल्ला पर जवाबी हमला करने के बाद भी इसराइल पीछे नहीं हट रहा है। और अब उसने इसी कड़ी में इजरायली सेना पर एक और बड़ा हमला किया है। हिजबुल्ला ने या आरा में हाल ही में बने आईडीएफ की 300वीं टेरिटोरियल ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर एक ड्रोन हमला किया है। हिजबुल्ला के मुताबिक उसका ये अटैक सटीक रहा है और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने कफार शोबा हिल्स में आईडीएफ की सैन्य चौकियों पर दोपहर के करीब 2:20 पर दो हमले किए हैं। इनमें से पहला हमला रोसेट अल आलम मिलिट्री साइट और दूसरा हमला अल सिमक्का मिलिट्री साइट पर हुआ है। हिजबुल्ला के मुताबिक इन हमलों के बाद एक दूसरा अटैक बायाड ब्लीडा मिलिट्री साइट पर शाम करीब 4:15 पर किया गया। लेकिन इन हमलों के बीच इसराइल को एक और झटका लगा है। वो झटका इराक के प्रतिरोधी समूह ने दिया है, जिसने उत्तरी इसराइल के एलॉन टोवर पावर स्टेशन पर एक आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है। इससे पहले इराकी प्रतिरोधी समूह ने इसराइल के ओरोट रैबिन पावर प्लांट पर एक आत्मघाती ड्रोन से हमला किया था। आपको बता दें कि ये इलाका भी समुद्र तट के पास है और इन हमलों से पहले इराकी प्रतिरोधी समूह दर्जनों रॉकेट और ड्रोन्स इजरायली सेना के ठिकानों पर दाग चुका है। यहाँ तक कि इन हमलों को इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम तक इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इराकी प्रतिरोधी समूह ने इसराइल पर जो हमले किए हैं, उसके आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। दरअसल वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के मुताबिक 17 अक्टूबर 2023 के बाद से इराकी प्रतिरोधी समूह ने इसराइल और अमेरिका टारगेट के खिलाफ 243 हमले किए हैं। इनमें से 90 हमले इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हुए, जबकि सीरिया में 65 हुए। वहीं इसराइल के खिलाफ प्रतिरोधी समूह ने 88 हमले किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इराकी प्रतिरोधी समूह ने नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक इसराइल पर 0.009% की औसत से हमले कर रहा है। लेकिन मौजूदा समय में ये आंकड़ा औसतन प्रतिदिन 0.93 पर पहुंच गया है। इराक से जो इसराइल पर हमले हो रहे हैं, वो ज़्यादातर इसराइली बंदरगाह और तटवर्तीय शहरों पर केंद्रित हैं और बाकायदा इन हमलों का वीडियो फुटेज भी जारी किया जा रहा है।